आईपैथ डायग्नोस्टिक लैब चिकित्सकों व मरीजों की कसौटी पर खरा उतरेगा मदन सहनी। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए विश्वसनीय रिपोर्ट आवश्यक। जरूरतमंदों तक पहुंचे इस लैब की सुविधा। उक्त बातें मिर्जापुर अवस्थित आईपैथ डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन करते हुए सूबे के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कही। मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी ने लैब के संस्थापक प्रशांत कुमार अग्रवाल के अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए अधिक से अधिक मरीजों तक इसका लाभ पहुंचाए जाने की शुभकामना दी। अति विशिष्ट अतिथि डी एम सी एच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आर आर प्रसाद ने कहा कि अत्याधुनिक तरीके से जांच कर ये लैब पैथोलॉजी की दुनिया में शीघ्र ही नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। लैब के संस्थापक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इस लैब में अत्याधुनिक मशीनों से कम समय में विश्वसनीय रिपोर्टिंग की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को विशेष छूट देने की घोषणा की। मरीजों को घर से ही सैंपल लेने एवं घर पर ही रिपोर्टिंग की सुविधा भी दी जाएगी। डॉक्टर सोमेश्वर नाथ झा दधीची के वेद ध्वनि से शुरू हुए इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन शास्त्र चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुनीति अग्रवाल ने किया। मौके पर पचाड़ी महंत मौनी बाबा प्रो अजीत कुमार वर्मा डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू डॉक्टर बी बी वर्मा प्रो भक्तिनाथ झा प्रो अशोक पोद्दार डॉक्टर आर बी खेतान डॉक्टर शुभम डॉक्टर मयंक भूषण डॉक्टर सारिक डॉक्टर ए डी एन सिंह प्रो के चौधरी प्रो तरुण मिश्र मणिकांत झा डॉक्टर थापर डॉक्टर सुमंत कोले डॉक्टर पुलिन वर्मा डॉक्टर एस के राय डॉक्टर मनोज सिंह डॉक्टर शशिभूषण गुप्ता सुशांत भास्कर उज्ज्वल कुमार सहित सैकड़ों चिकित्सक व गणमान्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर कुमार अभिषेक एवं प्रशांत कुमार अग्रवाल ने समवेत रूप से सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुरूप पाग अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदित किया। कार्यक्रम के दौरान गौतम अग्रवाल नितिन कुमार प्रियरंजन कुमार सुमित कुमार वैद्यनाथ मंडल सन्नी कुमार अभिषेक कुमार आदि सक्रिय दिखे। वही है कि जो हमारा जो प्रोफेशन और जैसा कि अभी सब बात बताया प्रशांत अग्रवाल जी ने कि वो देख रहे थे कि बहुत पेशेंट को रात में बहुत प्रॉब्लम होता है, भटकते हैं और कई तरह की परेशानी आती है, तो उनको परेशानी ना हो, वो कहीं ना कहीं टीज किया मन में कि ये रात को खोजते हैं सारी सुविधा होते के साथ में, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें कि दिन में तो सब सर्विस देते हैं लेकिन हम उस वक्त सर्विस दें जिस वक्त उनको खास जरूरत हो। वही लोग खोजते हैं जिनको रात में जरूरत होती है, इमरजेंसी में जरूरत होती है, तो हम उन लोगों के लिए खास काम करेंगे। और दिव्यांग है जैसे हमारे हम लोग हमेशा से दिव्यांगों के लिए बहुत अपने पिताजी से सीखे हैं कि दिव्यांगों की सेवा करना, तो हम उनके लिए काम करेंगे। और बाकी उस पैकेज में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पूरी सुविधा के साथ, और इसमें पूरी तरह से हम लोग क्वालिटी का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी उन लोगों को परेशानी ना हो। पहले तो मैं आईपैथ डायग्नोस्टिक फैमिली की तरफ से सभी आगंतुकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा जो मेन पर्पस, जैसे ये आईपैथ डायग्नोस्टिक मैंने जो इस दरभंगा शहर में खोलने का मेरा मेन पर्पस ये है कि यहाँ के लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण जांच जो है वो मिल सके, और सर्विस के मामले में जैसे दिन में तो मिलता ही सर्विस, रात में भी बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट हैं जो कि उधर उधर जांच के अभाव में भटकते रहते हैं। आज यहां पर 24 आवर सर्विस की शुरुआत हो गई है। रात में जितने भी इमरजेंसी हैं, चाहे कार्डियक पेशेंट हों, कुछ ऐसे डिलीवरी वाले पेशेंट होते हैं जो केवल हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप के टेस्ट के कारण चलता है, उनका काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, ये सारा सेवा यहाँ पर है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे जो जाँच है वो भी मतलब अतिशीघ्र पेशेंट को अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी जांच हैं जिसका रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आता है, वो 3 से 5 घंटे के अंदर हम वो रिपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोनल जितने भी टेस्ट हैं, चाहे T3 T4 TSH है,
और इसके अलावा जो गायनिक से रिलेटेड जो टेस्ट है आजकल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देखिए IVF का मतलब क्या होता है, सुविधा सभी शहर में बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो AMH है, LH, FSH, प्रोलैक्टिन और बीटा HCG, CA125 जैसे टेस्ट, कुछ कैंसर मार्कर टेस्ट है लाइक टोटल PSA जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए है, CA125, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये सारा टेस्ट की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है और 3 से 5 घंटे के अंदर पेशेंट को उसका रिपोर्ट मिल जाएगा, पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट करा करके घर वापस। हाँ, हमारे यहाँ सबसे पहली बात, मैं जो यहाँ पर इस आयकर डायग्नोस्टिक की शुरुआत करने का एक और पर्पस मेरा है वो सेवा भाव है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन कंसेशन दिव्यांगों के लिए हम मत करता है एक विशेष सुविधा हम दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं मेरी जो सबसे मेन एम ये है, गोल ये है यहाँ पर इसकी शुरुआत की, वो ये है क्या कि हम पेशेंट को इन क्लिनिक और उनके सुविधा पूर्वक जगह पर जाकर के हम उस सेवा दे सकते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशान होने की, क्योंकि वो खुद से पहले से परेशान रहता है, अगर हम उनको ऑन स्पॉट सर्विस देते हैं, उनके घर से कलेक्शन की सुविधा है, हॉस्पिटल से कलेक्शन की सुविधा है, उनके ऑफिस से, अगर वो ऑफिस में भी जैसे बैंक के एम्प्लॉय हैं और वो फोन कर देंगे तो हम लोग बैंक से मतलब वहां पर उनके ऑफिस में जाकर भी वो कलेक्शन लेकर के रिपोर्ट उनके गंतव्य स्थान तक हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटी है, तो सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए दोनों के लिए हमारे यहाँ सुविधा है, उनको विशेष कॉन्सेशन विशेष सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे होल बॉडी चेकअप, आजकल जो जांच के लिए अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, तो आजकल जो अवेयरनेस बढ़ गई है, तो हमारे पास पैकेज जो है, मेरे पास वो पैकेज है कि अगर पेशेंट उसको डिजाइन करना चाहे तो वो खुद डिजाइन करके उनको सिम्टम्स के अंदर, तो आजकल पैकेज के नाम पे क्या होता है, होल बॉडी चेकअप कर लिया, होल बॉडी चेकअप करवा लिए, मतलब चेकअप तो हम पूरा करवा लिए, बट जब वो डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, दिखाते हैं, तो पता चला कि जो उनका टेस्ट है होना चाहिए वो तो है ही नहीं। LH जितना भी है, लीवर प्रोफाइल करवा लिए, किडनी प्रोफाइल करवा लिए, थायराइड प्रोफाइल करवा लिए, बट उस लीवर प्रोफाइल में और किडनी प्रोफाइल में और पूरे होल बॉडी चेकअप में अगर उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो RA, CRP, ASO ये सारे जैसे टेस्ट नहीं रहते हैं, फिर से उनको वापस आना पड़ता है और पता चला कि तो अगर सिम्टम्स बताएंगे तो हम एक पैकेज डिजाइन कर देंगे और उस पैकेज के हिसाब से उनको मदद कर देंगे। मेरा नाम प्रशांत कुमार अग्रवाल हुआ, इस IVF डायग्नोस्टिक की नींव मैंने आज से 6 साल पहले यहाँ पर बेगूसराय में रखी थी, ये हमारा 3रा ब्रांच है, इसके पहले हमारा बेगूसराय में है, उसके अलावा खगड़िया में हमारा एक सेंटर है, उस तीसरा हमारा यहाँ पर दरभंगा में, और दरभंगा को चूज करने का मेरा पर्पस ये है कि मैंने जब यहाँ पर 3-4 साल दरभंगा में विजिट किया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही बुद्धिजीवी है, दे आर मतलब इतना कॉन्शियस है पढ़ाई के लिए, मतलब कुछ नॉलेज के लिए, कुछ लॉजिक बात करते हैं, और उस चीज से मैं काफी प्रभावित हुआ और यहाँ देखा कि मतलब लोग काफी अवेयर है इस चीज को लेकर के, और इस कारण से मैंने इस IVF डायग्नोस्टिक की ये और यहाँ पैथोलॉजी का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे, किस तरह का सुविधा यहाँ मिलेगी? डायग्नोस्टिक का शुभारम्भ हुआ है, उसे डॉक्टर दंपति पेशेंट और अन्य विभाग ने शुरू किया और यहाँ के लोगों के लिए जो डायग्नोस्टिक की सुविधा है मेरे असर में तो बहुत है, दरभंगा में इसकी संख्या कम है, यहाँ के लोग इससे बहुत अधिक लाभ हो, आप जानेंगे समय से किसी भी बीमारी के इलाज में जांच के होती है, आप महत्वपूर्ण होती है, चाहता है कि अच्छे से अच्छे जगह पर मेरा जाँच हो और जाँच की भी गुणवत्ता रहे, उपयोगिता रहे, और उसमें मेरे ऐसा भी होना चाहिए जो कि उन लोगों को पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब कि बजट में जो जांच होता हो आर्थिक लाभ कम लेते हुए उन तबकों को भी लाभ दिया जाए जिससे वो वंचित रह जाता है, वंचित वर्ग को भी उससे लाभ दिया जाए, लेकिन जो जांच है उसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं है। इस तरह के ये जो संस्थान खुला है आगे पर है और आगे पर है, बहुत से भी यहाँ जाँच है, सिटी स्कैनिंग है, इकोकार्डियोग्राफी है, इसी चीज़ें जिससे अधिक से अधिक जाँच होगा और इलाज जो है
वो संभव हो सकेगा, बायोप्सी हो उससे भी इलाज हो सकेगा। अच्छे इलाज के लिए अच्छी जांच की आवश्यकता है। जो ये है देर आप इनको मैं बहुत बहुत बधाई और अपनी शुभकामनाएं। राजकुमार गंज में आयकर चौराहे के पहले का उद्घाटन हुआ माननीय मंत्री जी के कल करने पर। दरभंगा मेडिकल हम रहा है नेपाल से लेकर पूरा मित्र जो है कपड़ा के लिए यहाँ अपना इलाज के लिए आते हैं। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि एम्स भी खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। कोई एक छोटा भी संस्था खुलता है उसमें 5 आदमी को रोजगार मिलता है, और इतने बड़े संस्था खुली है रोजगार का साधन भी सृजन होगा। और आपस में प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा जितनी ज़्यादा होगी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आर्थिक रूप से भी अंततः लाभ उपभोक्ता को होगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना अग्रवाल परिवार के प्रति कि उन्होंने एक नई संस्था पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए दिया है। आम लोगों का भी इलाज सुलभ होगा और अच्छा जांच होगा, तो निश्चित रूप से आम लोगों को राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामना। आज दरभंगा शहर के पैथोलॉजिकल क्लिनिक का आज उद्घाटन हम लोग को करने का अवसर मिला है। इस उद्घाटन समारोह में दरभंगा के माननीय लोकप्रिय विधायक श्री संदेश राज जी, आदरणीय मौनी बाबा बैजनाथ जी और इस समारोह में डॉक्टर आर आर प्रसाद जो अधीक्षक भी रहे थे, डॉक्टर अभिषेक जी, मंत्री अग्रवाल जी और उन सभी गणमान दरभंगा शहर के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। और पहले से भी दरभंगा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहा है। अब तो दरभंगा को एम्स जैसा संस्थान भी मिलने जा रहा है। और हम लोग तमाम लोग जानते हैं कि मिथिलांचल नेपाल तक के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। और पहले से बहुत सारे यहाँ सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और आज यह सुविधा प्रदान हमारे डॉक्टर मंजू अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और उनके टीम के द्वारा दिया गया है। हम लोग को भरोसा है कि यहाँ अच्छा जाँच होगा और जो भी डॉक्टर किसी बीमारी का निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसमें पैथोलॉजिकल जांच का बहुत भूमिका होता है। तो हम लोग इस बात का भरोसा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ लोगों का अच्छा से जांच होगा और आधुनिक ढंग से जांच होगा तो बीमारी सही ढंग से पकड़ में आएगा। जब बीमारी पकड़ में आता है तो डॉक्टर को इलाज करने में सहूलियत होता है। तो हम लोग का शुभकामना भी है उनका क्लिनिक में लोगों का अच्छा से इलाज हो, अच्छा से जांच हो और जांच के साथ साथ सही रिपोर्ट आवे जिससे कि सही इलाज हो सके।